नमस्कार दोस्तों, नॉलेज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुडे। आज का हमारा टॉपिक है वाटर लीकेज डिटेक्शन बाय थर्मोग्राफी प्रोसेस। अभी वाटर लीकेज डिटेक्शन कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कोई दीवार हो तो उसमें पूरा गीलापन, जैसे ब्राउनिश या फिर येलोइश डार्क्स रहते हैं, उसके साथ ही उस पूरा पूरा गीलापन रहता है, थोड़ा डैम्पनेस रहता है, कुछ डस्ट स्मेल भी आता है, तो उससे पता चलता है कि वाटर उसमें वॉल में लीकेज है। बट वो एक्चुअल लीकेज कहाँ है, उसका सोर्स किधर है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को थर्मल इमेज स्कैनिंग करना पड़ता है। फिर थर्मोग्राफी रिपोर्ट हम उसका बाद में लेते हैं स्कैनिंग करने के बाद में, तो वो रिपोर्ट्स में हम पता चलता है कि वाटर लीकेज कहाँ से है, उसका सोर्स क्या है और किधर से वो टोटल हम आइडेंटिफाई करके उसके क्या रेमेडीज है या फिर क्या हम रेक्टिफिकेशन करना है वो हम लोगों को पता चलता है। तो इसके लिए थर्मोग्राफी प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है। थर्मोग्राफी प्रोसेस के लिए कौन कौन से स्पेशल कैमराज रहते हैं वो भी हम देखेंगे, उससे हम कैसे थर्मल स्कैनिंग करते हैं, और थर्मल स्कैनिंग करने के बाद वो जो रिपोर्ट्स आता है, रिपोर्ट में पूरा डिटेक्शन आता है कि सोर्स कहाँ है, उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करना है। इसलिए इस वीडियो में उसका एक सैम्पल रिपोर्ट भी दिखाया है, वो भी हम देखेंगे। वाटर लीकेज डिटेक्शन बाय थर्मोग्राफी और थर्मल इमेजिंग टेक्निक, जैसे टू फाइंड आउट द सोर्स, जैसे वाटर लीकेज का जो सोर्स है वो हम थर्मोग्राफी के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी थर्मोग्राफी क्या है? थर्मोग्राफी एक प्रोसेस है, ये मेनली इंफ्रारेड का एक यूजेस प्रोसेस है, इंफ्रारेड एक टेक्नोलॉजी है। इसका एक प्रोसेस है जो भी इमेजिंग और मेजरमेंट, मतलब वो कैमरा से जो भी वो प्रोडक्ट का या फिर वो किसी ऑब्जेक्ट का जो थर्मल एनर्जी है, वो जो उत्सर्जित होता है, उसको मेजर करने का, कैमरा के थ्रू देखने का या फिर मेजर करने का एक प्रोसेस है, इसको हम थर्मोग्राफी बोलते हैं। और ये थर्मोग्राफी स्पेशली कुछ कैमराज रहते हैं, वो कैमरा से हम लोग उसका जो भी थर्मल एनर्जी मेजर करते हैं या फिर चेक करते हैं। और ये इसके जो थर्मोग्राफी कैमरा से कुछ ऐसे हिडन पार्ट्स या फिर ये भी देख सकते हैं हम, जो हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते, उसको हम हिडन पार्ट से वो थर्मोग्राफी प्रोसेस से वो कैमरा थर्मोग्राफी कैमरा से देख सकते हैं। अभी वाटर लीक डिटेक्टर क्या है? वाटर डिटेक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो भी मेनली इसके लिए डिजाइन किया गया है कि जहाँ भी वाटर लीकेज हो रहा है वो हम लोगों को पता चले, वाटर लीक कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, तो जाके हम लोगों को वाटर लीकेज प्रिवेंशन हम लोग कर सके। अभी हम देखेंगे कि थर्मल इमेजिंग से हम लोग वाटर लीक देख सकते हैं क्या? जो एक्चुअली वाटर लीक और मॉइस्चर इन्फिल्ट्रेशन है वो मेनली स्ट्रक्चर को, दीवार को या घर को बहुत ही खराब है या फिर डैमेज कर सकता है, तो इसके लिए उसको डिटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसको डिटेक्ट करके उसका जो भी इलाज है वो करना ज़रूरी है, नहीं तो वो स्ट्रक्चर को पूरा डैमेज कर सकता है। तो ये थर्मल इमेजिंग कैमरा जो है वो मेनली मॉइस्चर तो दिखते नहीं, बट एक सुटेबल टेम्परेचर डिफरेंसेस डिटेक्ट करते हैं कि वो कौन सा टेम्परेचर है, कम ज़्यादा है, क्या है, और वो पैटर्न्स भी दिखाते हैं, तो उसके हिसाब से उसमें पानी कितना मौजूद है, क्या है, वो हम देख सकते हैं। अगर हम देखेंगे कि वॉल में अगर लीकेज है तो हम लोगों को मेनली हम क्या करते हैं, जस्ट प्लम्बर को बुलाते हैं, और प्लम्बर को बुलाने के बाद में वो जहाँ खराब है या फिर डैमेज है वो पूरा उधर का कुछ पोर्शन निकालते हैं, नीचे निकालने के बाद जहाँ एग्जैक्ट लोकेशन में वो लीकेज है वो पूरा उधर का पोर्शन रिप्लेस करते हैं, और वहाँ के पैच वगैरह वाल वगैरह भर के उसको प्राइम और पेंट कर देते हैं। अभी हम देखेंगे हाउ थर्मल इमेजिंग इज यूज्ड फॉर वाटर लीकेज डिटेक्शन। जैसे थर्मल, जैसे स्पेशल कैमराज रहते हैं थर्मल इमेजिंग, तो उससे हम वाटर लीकेज कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। थर्मल इमेजिंग कैमराज एक इसेंशियल पार्ट है जो कि इंजीनियर्स का एक टूल किट है, जो मेनली हिडन लीकेजेस जो रहते हैं दीवार में, छत में, वो हॉट वाटर या ठंडा वाटर पाइप्स में, वो पूरा हम लोगों को दिखाते हैं
इसमें कोई भी स्ट्रक्चर का भी हो, कंक्रीट का हो, किसी का भी हो, जो भी हिडन लीकेज जैसे वो हम इस कैमरा से पता कर सकते हैं। थर्मल इमेजिंग कैमरास मेनली के एक रिकॉर्ड लाइट एज अ हीट, और मतलब हीट को लाइट की तरह रिकॉर्ड करते हैं और इसको हम लोग पिक्चर या फिर इमेज दिखा सकते हैं। ये इंफ्रारेड एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी है, एक टाइप का एक लाइट है जो हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते, बट हम लोग सेंस कर सकते हैं कि ये हीट कैसा है। तो ये थर्मल इमेजिंग कैमरा जो है वो इसका छोटे छोटे जो डिफरेंसेस है टेम्परेचर के वो आइडेंटिफाई करता है, और अलग अलग मटेरियल का सरफेसेस के ऊपर जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है वो आइडेंटिफाई करता है और उसको हाईलाइट करता है। और ये जो भी कलर सरफेस है इसमें अलग अलग जो भी वार्मर है या फिर टेम्परेचर में वेरिएशन है, इसके हिसाब से वो एक वाटर लीक का इविडेंस हाईलाइट करता है, कहाँ से लीक हो रहा है, ये ओरिजिनेट कहाँ हो रहा है, ये पूरा शो करता है। मेनली लीक डिटेक्शन इंजीनियर्स जो रहते हैं वो थर्मल इमेजिंग कैमरास को यूज करके वाटर लीक्स का फाइंड आउट करते हैं और उसके हिसाब से बाद में उसको ट्रीटमेंट देते हैं। जो एक्चुअल लीकेज सोर्सेस है वो फाइंड आउट करते हैं। अभी बेनिफिट्स ऑफ थर्मल इमेजिंग, पहला है डिटेक्ट मॉइस्चर इन सीलिंग्स, फ्लैट रूफ्स, बिहाइंड वॉल्स एंड अंडर फ्लोर्स। जब जो भी मॉइस्चर है कहाँ सीलिंग में है, रूफ में है, वॉल्स में है, अंडर फ्लोर में है, वो डिटेक्ट करता है। उसके बाद है एक्सटीरियर प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड करता है, जहाँ हीट लॉस है या फिर डैम डिटेक्शन है। उसके बाद है जो लार्ज एरिया है, मतलब बड़े वाले एरिया, वो आराम से उसको देख के उसमें भी ये डिटेक्ट करता है। उसके बाद ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, तो इसमें कुछ तोड़फोड़ करने की कोई जरूरत नहीं होती, कोई डैमेज प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये एनडीटी मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव लीक डिटेक्शन टेस्ट है या फिर मेथड है। इसमें एक और एक फायदा इसका यह है कि ये एनर्जी कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस करता है और आपके हीटिंग या फिर जो बिल्स है वो बिल कम करता है। अभी कैमरास कौन कौन से कैमरा यूज करते हैं थर्मल इमेजिंग में। अभी सबसे पहले थर्मल कैमरा से कौन कौन से, एक है FLIR कंपनी का E6 जो फॉर बेसिक एप्लीकेशंस, उसके बाद FLIR है E8, इसके बाद FLIR है E95, फिर ये हायर रिजोल्यूशन के लिए है, और ये FLUC की कंपनी भी है, और ये और टेस्टो ये कंपनी भी है। ये कैमरा भी यूज किए जाते हैं जो मेनली ऑल टाइप ऑफ डिटेक्ट इन इलेक्ट्रिकल्स, बॉयलर्स, एरोप्लेन्स और स्ट्रक्चर में भी जो भी लीकेज डिटेक्शन वगैरह करना है उसके लिए ये यूज कर दिया जाता है। और ये थर्मल कैमरा है यो मेनली अपना वाटर लीकेज दिखाते हैं, उसके साथ ही अप्रोक्सीमेटली मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर एक्सटेंट जो भी वो भी हमको दिखाते हैं। और ये उसका आइडेंटिफाइंग पैटर्न दैट लुक्स लाइक मॉइस्चर, ये जो मॉइस्चर जैसे दिखाते हैं उसका ये गारंटी नहीं दे सकते, बट उसका वाटर लीकेज का ही परफेक्टली बता सकते हैं। एडवांस थर्मल कैमरा जो भी यूज किए जाते हैं वाटर लीकेज डिटेक्शन में, उसमें ये एक मेन कैमरा है FLIR E95। ये एक बहुत ही अच्छा और एडवांस कैमरा है जो इसका सेंसिटिविटी है, रेजोल्यूशन बहुत ही अच्छा है, और ये मेनली इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, हिडन डिफिशियंसीज, वाटर लीकेजेस, ये पूरा अच्छा से मतलब डिटेक्ट करता है और दिखाता है। ये कैमरा मेनली हाई परफॉर्मेंस फीचर दिखाता है, और मेनली इसका ऑन स्क्रीन एरिया मेजरमेंट भी अच्छा है, मतलब 464x348 का है, और उसका टेम्परेचर मेजरमेंट और वाइड टेम्परेचर रेंजेस 1500 डिग्री सेल्सियस तक है। ये E95 सुपीरियर स्पॉट साइज रेशियो है और एक बहुत ही सेंसिटिव है टू डिटेक्ट मिनट्स टेम्परेचर डिफरेंसेस, मतलब मिनट्स एकदम छोटे टेम्परेचर डिफरेंसेस भी अच्छा से डिटेक्ट कर सकता है। अभी हम एक सैंपल रिपोर्ट देखेंगे कि वो एक घर का जैसे लीकेज हुआ था, वो लीकेज का पूरा थर्मोग्राफी करने के बाद
उसका एक रिपोर्ट है, इधर आप देख सकते हैं। इसमें ये पूरा लीकेज जैसे दिख रहा है ना, इसमें थर्मल जो टेकन है लिविंग रूम का है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ सीपेज वाटर डिपॉजिटेड ऑन वॉल, और ये एरो जो है वो दिखाता है वाटर फ्लो, इसका मतलब ये जो फ्लोरिंग से सीलिंग की तरफ ये पानी जा रहा है। इसके बाद ये पैसेज का है, ये पैसेज में इसमें ये दिखाता है इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑन कैपिलरी वॉल्स, इसका मतलब ये साइड इधर देख सकते हैं आप, ये फोटो है और ये एक्चुअल में ये थर्मल इमेज है, जैसे फ्लो इसका ऑन कैपिलरी ऑन वॉल्स, वॉल्स के ऊपर ये कैपिलरी का एक्शन है। ये देखिए ये ओरिजिनल फोटो जैसे जहां लिखे जो उसका, और इसका थर्मल स्कैनिंग करने के बाद में ये इंडिकेट करता है इस सीलिंग से फ्लोरिंग की तरफ ये पानी पूरा सिपेज हो रहा है, फिर लीक हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं ये साइड में लीक है, ये भी डायरेक्शन ऑफ फ्लो इंडिकेट करता है, ये ऊपर से नीचे पूरा पानी फ्लो हो रहा है। ये डिपोजिशन ऑफ सीपेज वाटर बिलो द फ्लोरिंग, मतलब ये जो टाइल्स है टाइल्स के नीचे भी पानी जमा हुआ है, और ये जो ब्लैक बॉडी है इसको बेंचमार्क बोलते हैं, इसके थ्रू ये नीचे का हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके साइड में नीचे आप देख सकते हैं इधर पूरा टाइलिंग या फ्लोरिंग के पीछे नीचे पानी है। इसमें देख सकते हैं आप ये पूरा दीवार है इस साइड में, ये राइज ड्यू टू कैपिलरी ऑन वॉल्स, इसमें कैपिलरी एक्शन की वजह से ये लीकेज दिखता है। एक टॉयलेट बाथरूम का लीकेज है, इसमें आप देख सकते हैं इस साइड में, और इधर फ्लो दिख रहा है और इधर ये फ्लो दिख रहा है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सीपेज वाटर फ्रॉम टॉयलेट सिचुएटेड अबाउ द सेम, इसका मतलब अपर फ्लोर का जो भी टॉयलेट है वहां से ये लीकेज हो रहा है। इसमें भी आप देख सकते हैं ये जो इमेजेस है, लार्ज अमाउंट ऑफ पोरोसिटी एट डैडो, मतलब डैडो के साइड में पोरोसिटी पूरा है, और इंडियन डब्ल्यूसी मतलब जो अपना टॉयलेट इंडियन टॉयलेट है इसके साइड में भी है फ्लोरिंग एरिया में। इसका भी सेम ऐसा ही है, डिफरेंट एरिया इधर आप देख सकते हैं पूरा ये साइड। इसमें देखेंगे ये जो टॉप में छत में सीलिंग में लीकेज दिख रहा है, ये इसके अबव फ्लोर में जो भी टॉयलेट है उसके थ्रू उसके चलते ये लीकेज है, मतलब ऊपर वाला फ्लोर में जो भी टॉयलेट है उसके चलते ये लीकेज है। इसमें भी एक माइनर लीकेज दिख रहा है ये साइड में आप देख सकते हैं, ये मेनली टॉप फ्लोर के टॉयलेट की वजह से ही है। इसमें आप फ्लोरिंग के नीचे भी पानी है, फ्लोरिंग के हिसाब से देख सकते हैं फ्लोरिंग कितना खराब हुआ है, इसके नीचे पूरा सीपेज है। इसमें ज्यादा से ज्यादा पानी इसमें दिख सकता है वो विंडो सीलिंग, सीलिंग के नीचे पूरा लीकेज है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लीकेज वाज ऑब्जर्व फ्रॉम द सेल ऑफ विंडो, विंडो के नीचे का जो दिख रहा है उसकी वजह से लीकेज है। अभी इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा पूरा वॉल खराब हुआ है, ये
इफेक्ट ऑफ सीपेज फ्रॉम वाटर फ्रॉम फ्लोरिंग लेवल, ये फ्लोरिंग की लेवल से इसकी वजह से ये पूरा करा हुआ है और ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऐसा अपर दिख रहा है और ये सीलिंग का ऊपर का देख सकते हैं सीपेज ऑफ सीलिंग लेवल, ये ऊपर से डाउनवर्ड फ्लो दिख रहा है। ये अभी किचन का देख रहे हैं, मेनली ऐसा ही सेम ऊपर से नीचे तक फ्लो दिख रहा है। और ये भी सेम ऊपर से नीचे तक फ्लो दिख रहा है और अलग एरिया है। अभी ये रिपोर्ट है, इसमें रिपोर्ट में क्लियर मेंशन किया गया है कि लार्ज अमाउंट ऑफ लीकेजेस वर ऑब्जर्व्ड एट सीलिंग लेवल ऑफ फ्लैट। उसके साथ ही ये फ्लैट फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ पोरोसिटी, संदर्धता जो बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोरोसिटी, एंड फ्लोरिंग लेवल, डैडो लेवल, सराउंडिंग सिंक, किचन प्लेटफॉर्म और कनेक्शन विथ वॉल, उसकी वजह से ये लीकेज है। ये सब रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या बोला, इसमें पूरा रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स करने के लिए एट फ्लैट एट अबव फ्लोर, मतलब ऊपर के फ्लोर के जो टॉयलेट बाथरूम और वॉल्स है उसका रिपेयर पहले करना पड़ेगा। वो कैसे करना, वो ग्रेविटी पंप इंजेक्शन से और रिफिलिंग ऑफ ऑल जॉइंट्स ऑफ टाइल्स, टॉयलेट्स और सिंक की वजह से। और ये जो बेडरूम में अंदर दिखा विंडो सील के नीचे जो लीकेज था, इसके प्रॉपर स्टोन फ्रेमिंग करके लेना है विंडो को और उसकी वजह से लीकेज रुक सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कि थर्मोग्राफी प्रोसेस क्या है और वाटर लीकेज डिटेक्शन थर्मोग्राफी प्रोसेस से कैसे करते हैं, सोर्स पता करने के बाद कैसे रेक्टिफाई करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही साइड और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।